जय माता दी। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है, तो आज कौन माता का पूजा है, कौन सी माता का हम पूजा करेंगे, तो आज माता का क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्या भोग लगाएंगे, तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम कात्यायनी माता का पूजा करेंगे, किस तरह करेंगे, किस विधि विधान से करेंगे। तो आज कात्यायनी माता का पूजा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम किस तरह कर रहे हैं। तो आज हम पहले तो हम जल छिड़काव करेंगे। यहाँ पे हमने जल छिड़काव कर दिया है, तो अब इनके ऊपर हम इत्र लगाएंगे, जितनी माता हैं इनके हम इत्र लगा के उसके बाद हम अब यहाँ पे अब हम चंदन का टीका लगाएंगे। यहाँ पे हमने चंदन का टीका लगा दिया है, तो अब हम सिंदूर का टीका लगाएंगे, जितनी हम माता हैं उनके हम सिंदूर का टीका लगा देंगे। पे हमने जितनी माता हैं तो हमने सिंदूर का टीका भी लगा दिया है, तो अब माता का हम भोग चढ़ाएंगे। माता का भोग क्या चढ़ाएंगे, यहाँ पे हम माता का भोग शहद का चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा शहद का भोग है माता जी का, ये हम चढ़ा रहे हैं माता जी का, कात्यायनी माता का ध्यान करके। यहाँ पे माता जी का लाल फूल पीला भी पसंद है, तो हम दोनों फूल चढ़ा रहे हैं। जो एक फूल हमारा गुलहर का है, यहाँ पे गेंदे का फूल है, तो हम माता जी का नाम लेके यहाँ पे हम सब देवी देवताओं के चढ़ाएंगे फूल, ये गणेश भगवान को। अब यहाँ पे हम धूप बत्ती करेंगे। अब हम कात्यायनी माता का ध्यान करके उनकी आरती करेंगे। यहाँ पे हमने धूप बत्ती लगा दिया है, अब हम कपूर की ज्योति जलाएंगे, तो उसको हम अब यहाँ पे हम माँ कात्यायनी देवी की हवन सामग्री चढ़ाते हुए माता का ध्यान करेंगे। माता का ध्यान करके हम हवन की सामग्री चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने कात्यायनी माता का पूजा कर दिया है, तो हमने जो जाप करना उसको हम कर दिया है। तो आप लोगों को हम सातवीं नवरात का हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे किस तरह हम किस विधि विधान के पूजा करेंगे। तो अभी हम जल्दबाजी में माता रानी का पूजा आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो हम बाद में इनका ध्यान करके जाप करते हैं, थोड़ा देर तक हम इनका प्रार्थना करते हैं। तो हम वीडियो बड़ा होने के लिए आप लोगों को इतना दिखाते हैं, हर माता का पूजा में इतना ही दिखाते हैं। उसके बाद हम बैठ कर हम थोड़ी देर के लिए माता जी का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो आज का हमने पूजा दिखा दिया है, तो अब हम सातवीं नवरात का पूजा आप लोगों को दिखाएंगे किस विधि विधान से करेंगे।